दोस्तों रात के 12 बज रहे हैं और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था हमारे इंडियन कस्टमर। ये जो व्यू की अल्ट्रा 4K स्मार्ट टीवी लॉन्च हुई है वो मतलब अब हद कर दिए व्यू टेलीविजन वाले। मतलब ये ज़रा भी मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये वीडियो को स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसी के साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँ कि व्यू ने सेम टीवी क्यों लॉन्च की सिर्फ नाम बदल करके। तो ये वीडियो में ये देखेंगे इसी के बारे में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टर्न। शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहला सवाल है यहाँ पे व्यू टेलीविजन वाले को, मतलब कि आपने टीवी जो प्राइस पे लॉन्च की वो प्राइस पे अमेजोन पे क्यों नहीं बिक रही है? मतलब आप सो रहे हो कुंभकर्ण की नींद में या फिर अमेजोन वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं? वहाँ के सेलर जो भाव में चाहिए वो भाव में बेच सकते हैं? यार आप लोगों को इतना समझ में नहीं आ रहा, लॉकडाउन चल रहा है और लोगों की जॉब गई है, लोगों के पैसे नहीं है, फिर भी आपकी टीवी ले रहे हैं और उसमें आप टीवी उनको डबल भाव में बेच रहे हो, क्यों ऐसा? मतलब उनका पैसा पैसा नहीं है, उनकी मेहनत मेहनत का पैसा नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हो? मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई। तो यहाँ पे मेरे व्यूवर्स जितने भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप ये टीवी लेने का प्लान करो और अगर आपको ये डबल प्राइस में मिल रही है तो मत लेना टीवी, सच बोल रहा हूँ। मेहनत की कमाई है सही जगह लगाओ। अगर उसकी एक्चुअल प्राइस जो उन्होंने लॉन्च में बताई थी वो प्राइस में मिलती है तो वो लीजिए, लेकिन डबल प्राइस में आपको नहीं लेना है। या फिर उससे अगर जो भी प्राइस उन्होंने लॉन्च में बताई थी उससे अगर 100 रुपये भी ज़्यादा होगा टीवी मत लेना। ये मैं आपको मेरा रिकमेंडेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे भाई ऐसा नहीं कि एक ही व्यू एक ही ब्रांड है जो आपको वैल्यू फॉर मनी दे रहा है या सबसे अच्छी वही टीवी दे रहा है। यहाँ पे और भी ब्रांड है, नोकिया भी बहुत अच्छी टीवी देता है, मोटोरोला का भी ऑप्शन आपके पास है, TCL की भी टीवी अच्छी होती है, यहाँ पे जो मुझे नाम याद है, यहाँ पे सैन्यो काइजन उनकी भी IPS पैनल के साथ आने वाली टीवी बहुत ही अच्छी है और वो तो उसकी सर्विस उसको पैनासोनिक करता है। मतलब पैनासोनिक नॉन बजट वाला टीवी है, वो आपको मिल रहा है बजट ब्रांड में, तो मेरे को लगता है कि शायद वो ब्रांड्स काफी अच्छे हैं। ये अगर आप अपनी मनमानी करोगे व्यू टेलीविजन वाले या फिर अमेजोन के जो सेलर है वो अपनी मनमानी करेंगे तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन होगा कि अगर आपको डबल प्राइस में मिले या फिर कुछ भी अगर पैसे में ज्यादा हो तो भाई पैसे बचाओ और सही डिसीजन लो और यहाँ पे इनकी मनमानी मत करने दो। क्योंकि अगर आप इनकी मनमानी करने दिए तो यहाँ पे जितना ही आप इसका प्रोडक्ट सेल होगा वो उतनी ही मनमानी करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपने इस प्रोडक्ट को बेचना ही स्टॉप कर दिया, अगर यहाँ पे आपने प्रोडक्ट को खरीदना स्टॉप कर दिया तो फिर वो प्राइस गिराएंगे ही नॉर्मल प्राइस पे। लेकिन अगर आपने इसको हाइप कर दिया कि भाई ये टीवी सबसे अच्छी है, हर किसी को यही बोलोगे कि भाई टीवी बहुत मस्त है, यही लो, तो फिर भाई वो अपनी मनमानी करेंगे और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम होगा। हमारे जो इंडियन कस्टमर है जो टीवी ले रहे हैं इतनी मेहनत की कमाई से, उनको प्रॉब्लम होगी। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि अगर प्राइस में ज़्यादा अगर महंगी मिली तो ये टीवी मत लेना और मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और दोस्तों काफ़ी लोग के मन में सवाल है कि भाई ये सेम टीवी क्यों लॉन्च की, मतलब व्यू का थॉट प्रोसेस क्या था या फिर उनकी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी कि उन्होंने ये सेम टीवी मतलब ऑलमोस्ट सेम फीचर्स के साथ लॉन्च की सिर्फ नाम बदला। तो यहाँ पे भाई मैं आपको कहना चाहूँगा, जो प्रीमियम टीवी थी व्यू प्रीमियम वो फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव थी, मतलब फ्लिपकार्ट के सिवा और कहीं पर बिक नहीं सकती। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, टीवी का नाम बदल दिया, अमेजॉन पर भी बिकना चालू हो गई। वहाँ से क्या होगा, इनको अभी दोनों साइड से बिजनेस आएगा, फ्लिपकार्ट से भी सेलिंग होगी और इसी के साथ ही साथ अमेजॉन पे भी। तो यहाँ पे इनका जो अर्निंग है या फिर रेवेन्यू है यहाँ पे बढ़ जाएगा और इनकी टीवी की हाइप तो इतनी हो गई कि भाई ऑटोमेटिकली लॉन्च के दिन ही मतलब हज़ारों टीवी एक साथ में बिक जाती है, फट से आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है और जो बची रहती है उनको डबल प्राइस में बेचते। तो यहाँ पे सेम टीवी लॉन्च करने का यही इनका फ़ायदा था कि यहाँ पे उनको अमेजॉन वाला प्लेटफॉर्म मिल गया, वहाँ से भी इनकी कमाई चालू हो गई। तो ये एज अ कस्टमर आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है कि भाई अभी पूछिए, पिछले हफ्ते नोकिया की टीवी आई थी, TCL की टीवी अगले हफ्ते आने वाली है, OnePlus भी टीवी लेके आने वाला है, इसी के दौरान उन्होंने टीवी लॉन्च कर दी, तो इससे फ़ायदा क्या होता है? ये चीज़ समझने वाली दोस्तों कि यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ कि अभी एज अ कस्टमर आपके ध्यान में कि भाई व्यू की अल्ट्रा 4K टीवी आई है तो अभी ये लेनी चाहिए क्योंकि ये नई टीवी है। बात वो अलग है कि कुछ अलग नहीं, कुछ नया फीचर नहीं दिया है प्रीमियम और जो 2-3 महीने पहले उन्होंने मार्च में लॉन्च की थी, कुछ फ़र्क नहीं, लेकिन एज अ कस्टमर आपके दिमाग में क्या रहता है कि ये एक नई टीवी आई है व्यू की तरफ से। तो ये उन्होंने हमारे जो मार्केटिंग का जो स्ट्रैटेजी है वो हमारे दिमाग के साथ खेला है और बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते उन्होंने ये टीवी लॉन्च की है। तो ये हम सभी को समझना चाहिए। तो यहाँ पे व्यू ने बहुत बड़ा गेम खेला है हमारे एज अ बोलते हैं ना कस्टमर के साथ। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है और आपका डिसीजन है,
आपके पैसे हैं और आपको सही जगह लगाना है। मैंने मेरी राय आपको दे दी, बाकी आपका डिसीजन। इसी के साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, वीडियो अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करना। इसी के साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, काफ़ी कुछ अपडेट्स वहाँ पर भी डालते रहता हूँ। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। हैप्पी गाइड, बाय बाय।